आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। आप सभी के अंदर मौजूद उस परम पिता परमात्मा की जोत, उस परवरदिगार मालक को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। इल्मे ज्योतिष से अजीज मोहब्बत रखने वाले दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि इस टॉपिक के लिए बारे में आपके मन में भी कभी न कभी ये ख्यालात जरूर आए होंगे कि जो एस्ट्रोलॉजी है आखिर इसका मजहब क्या है। व्हाट इज द रिलीजन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जब एस्ट्रोलॉजी की बात आती है, जो बाहर के लोग हैं, जो हिंदुस्तान से, मुल्क के हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, वो कह देते हैं कि जैसे मुसलमान हैं, ईसाई हैं, वो कह देते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी है हिंदुओं की चीज़ है, काफरों की चीज़ है। लेकिन जब हम हिंदुस्तान में आते हैं तो हिंदुस्तान में मसला थोड़ा सा डिफरेंट है, जिससे जानकर आपको खुद को हैरानगी होगी। मैं ये टॉपिक इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे भी जब मैंने एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत की तो मुझे भी कम्युनिटी की तरफ से बहुत ही बुरे भले शब्द सुनने को मिले और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे कंडेम करने में। तो इस चीज़ को देखकर पहले तो मैं इसे सिर्फ नॉलेज की तरह लेकर आया था, लेकिन बाद में मुझे भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर ये इलम है क्या, इस इलम का मजहब क्या है, यानी कि रिलीजन क्या है एस्ट्रोलॉजी का। तो मैंने तमाम जो जिनसे जोड़ा जाता था मैं उनको पढ़ना शुरू किया। तो सबसे पहले ज्योतिष को हिंदू धर्म से जोड़ा जाता है। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू मजहब की, तो हिंदू मजहब में जो बड़े बड़े जो हिंदू इंटेलेक्चुअल्स हुए हैं, जिनमें कि चंद नाम मैं आपके सामने लेने जा रहा हूँ, उसमें से स्वामी विवेकानंद हैं, उसके बाद शंकराचार्य जी हैं और आर्य समाज है, गायत्री परिवार भी है, बहुत सारे हिंदू धर्म के संगठन हैं जिनके नियमों को पूरा हिंदू समाज मानता है। जब मैंने स्वामी विवेकानंद को, आर्य समाज को और बहुत सारे को पढ़ा, मैंने देखा, तो मैंने वहाँ पर भी ये पाया कि उन लोगों ने भी, और ख़ास करके जो हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े साधु संत सन्यासी हैं, वे खुद भी एस्ट्रोलॉजी को कंडेम करते हैं। उन्होंने बहुत ही सख्त जुबान में एस्ट्रोलॉजी की मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि जो आदमी ज्योतिषी करता है वो आदमी परमात्मा से दूर हो जाता है। उन्होंने ज्योतिष की बहुत ही सख्त लफ्जों में उन्होंने ऐसे नकार दिया उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को। आप खुद भी अगर स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज और बहुत सारे जितने हिंदू जो विद्वान हैं उनको आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको ये बातें खुद ब खुद पता लग जाएंगी। यहाँ तक कि एक बार मैंने गीता प्रेस गोरखपुर की गरुड़ पुराण को मैंने लेकर पढ़ना शुरू किया, उस गरुड़ पुराण के जो पहले पन्ने थे, हालांकि ये गरुड़ पुराण के श्लोक में नहीं लेकिन किसी विद्वान ने बात लिखी थी, उन्होंने लिखा था कि जो पंडित ज्योतिषी हो, यानी कि ग्रह नक्षत्रों की गणना करना जानता हो, ऐसे ज्योतिष के द्वारा कभी भी अपनी, जो पंडित है उसके द्वारा अपनी पूजा पाठ ना करवाएं, यानी पूजा पाठ उसी पंडित से करवाएं जो कर्मकांडी हो, जो ज्योतिष पंचांग गणित आदि ज्योतिष की गणनाओं को ना करता हो। ज्योतिषों के बारे में खुद जो हिंदू धर्म ग्रंथ है यहाँ भी कई बार उनके बारे में बहुत ही सख्त लफ्ज यूज किए गए हैं, और ऐसे लफ्ज यूज किए गए हैं कि मैं उसे कैमरे पर नहीं बोल सकता। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि फिर मैंने पूछा, तो कईयों लोगों ने ये कहा कि ज्योतिष तो हमारे भारत की जो है, हम तो परमात्मा को मानने वाले लोग, हम तो कर्मकांड में विश्वास करने वाले लोग, ये जो ज्योतिष की जो चीज़ें हैं ये तो बाहर से आई हैं, बेबीलोन से, पगान से, मिस्र से, यूनान से, यानी कि म्लेच्छों की आज भी ये रियलिटी है कि जिस एस्ट्रोलॉजी को आज का भारत कर रहा है वो इसे अपना प्योर मानता ही नहीं, वो कहता है कि इस एस्ट्रोलॉजी में म्लेच्छों ने मिलावट कर दी है। म्लेच्छ यानी कि
बाहर के लोग जैसे यवन के, मिस्र के, यूनान के जो पगान लोग थे उनके बारे में बात की जाती है, जो इस्लाम का रुख किया कि इस्लाम में एस्ट्रोलॉजी के क्या मायने हैं, इस्लाम क्या कहता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। लेकिन जब मैंने जाकर देखा, जिसे हम यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर कह देते हैं, उसे हम उर्दू में आमल कह देते हैं या नजूमी कह देते हैं, तो मैंने देखा कि बहुत सारे इस्लामी ममालिक में भी एस्ट्रोलॉजर हैं जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं। जब उनके पास मैंने उनसे अपना रابطہ कायम किया, उनसे जानना चाहा कि आखिर आप जो ये इल्म नजूम करते हैं इसका आपके मजहब से क्या ताल्लुक है, तो इस्लाम में एक जो चीज़ मशहूर है, जितने भी मुसलमान आमल हैं उनको आपने देखा कि अमल करते हैं, वो तावीजात बनाते हैं, उनमें एक एक इल्म है उसे कहते हैं इल्म जफर। कुछ लोग इल्म जाफर कहते हैं, कुछ लोग इल्म जफर कहते हैं, यानी कि हिंसों को, जैसे आपकी माँ का नाम, आपका नाम, उनके जो हिंसे हैं अलिफ बे से, वो निकाल कर, अदद निकाल कर उनसे तावीजात बनाए जाते हैं, वो इल्म जो है हिंस, यानी कि जैसे हम नंबरोलॉजी कहते हैं, वो इल्म जफर के रूप में और बहुत ही उम्दा रूप में जो है वो इस्लामी मुल्कों में मकबूल है। वहाँ के लोग ज़्यादातर इल्म जफर को मानते हैं, और इल्म जफर की जो शुरुआत है वो मानी जाती है कि इमाम जफर से। इमाम जफर जो थे वो हजरत मोहम्मद साहब के, उनके परिवार में से थे, और मुसलमान चाहे कोई भी हो, चाहे सिया हो, सुन्नी हो, अहमदिया हो, चाहे किसी भी फिरके से ताल्लुक़ रखता है, इमाम जफर की वो बहुत ही तहे दिल से इज्जत करता है। तो जो इल्म जफर है, इल्म जफर को वहाँ से जोड़कर उनसे मैंने पूछा कि आखिर आप ये करते हो, इस्लाम तो एस्ट्रोलॉजी की इजाज़त नहीं देता। वो कहते हैं कि जो इल्म जफर है वो उनसे शुरुआत हुई है, उनकी देन है, और ये बहुत ही हमें इल्म गैब की इससे मदद मिल जाती है। लेकिन वैसे अगर हम देखा जाए तो जो मुसलमानों के जो बड़े बड़े मौलवी हैं, जो इमाम हैं, जो जानकार हैं, वो तो ये कहते हैं कि जो आदमी गैब की जानकारी के लिए किसी नजूमी के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ये जानने के लिए जाता है कि हमारा कल क्या होगा, हमारे फ्यूचर में क्या लिखा है, मुस्तकबिल के हालात जानने के लिए जाता है, कहते हैं इस्लाम उसके बारे में कहता है कि उसकी 40 दिन की नमाज ही कबूल नहीं होती है। अगर वो 40 दिन के देखने गया और 40 दिन के पहले मर गया तो उसकी जो है वो उस पर वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, या तमाम तरह की जो बातें हैं कि यानी सीधा सीधा कहते हैं उसकी 40 दिन की नमाज ही कबूल नहीं है, यानी कि इसे एक तरह से गुनाह माना गया है। जहां हम लोग ये कह देते हैं कि हमारे जो जो लोग हिंदू धर्म में ज्योतिष को नहीं मानते, जैसे आर्य समाज या अन्य लोग, वो कह देते हैं कि ये वहाँ से मलेच्छों की चीज़ है, बाहर से आई है, और जो वहाँ के लोग हैं वो ये कह देते हैं कि हमारे तो मजहब में इसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। इसी तरह से ईसाइयों में भी जो एस्ट्रोलॉजी को वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कंडेम किया गया है। तो मुझे ये सोचने को मजबूर हुआ कि जब हिंदू भी इसको कंडेम करते हैं, मुसलमान भी कंडेम करते हैं, क्रिश्चियन भी कंडेम करते हैं, तो आखिर ये एस्ट्रोलॉजी का रिलीजन क्या है, आखिर ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो मैंने एक आपके सामने एक छोटी सी मिसाल पेश करना चाहता हूं। अमेरिका की खोज, थोड़ा टॉपिक से हटकर मैं एक समझाने के लिए कह रहा हूं, अमेरिका की खोज सबसे बाद में हुई है। वास्को डिगामा ने, कहते हैं कि वो काली मिर्च लेने के लिए हिंदुस्तान आया था और उसका नौके का रुख पलटकर वो अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका में रेड इंडियंस रहते हैं, जो वहां के कबीले लोग थे। आपने, जब मैंने वहाँ पर डिस्कवरी पर प्रोग्राम देखे, उनके जो घरों को देखा, तो देखा कि उनके घरों में कोई मजहब रिलीजन की नाम की चीज़ नहीं थी, ना तो वहाँ कोई हिंदू था, ना ईसाई था, ना कोई मुसलमान के कुछ उनके पास थे, पर उनके घरों पर भी नक्षत्रों के तारे सितारे बने हुए थे। यानी कि उन्होंने अपने घरों में भी सूरज, चंद्रमा, देखो जब से ये दुनिया बनी है ना, कायनात बनी है, तब से हर इंसान कल के बारे में सोचता है। तो वहाँ पर भी मैंने देखा, तो मुझे ये सोचने को मजबूर होना पड़ा कि आखिर वहाँ तो ना तो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है, क्योंकि इसकी खोज ही वास्को डिगामा ने ऐसे वक्त पर की है कि वहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच पाया।
एक नए मुल्क की खोज की गई, तो वहां पर आकर उनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कैसे पता? आप पेरू का जो कल्चर है, पेरू के कल्चर में देखेंगे, पेरू में भी आपको चाहे किसी भी धर्म का कोई जिक्र ना मिले, लेकिन वहां पे एस्ट्रोलॉजी का जिक्र उनके घरों पर चांद तारे सितारे बने हुए मिलेंगे, यानी कि वो भी इन नक्षत्रों को देखा करते थे। मिस्र के लोग, जब मिस्र में कोई भी मजहब नहीं था, जिस जमाने की बात कर रहा हूँ, ना उसमें इस्लाम था ना उसमें कोई और मजहब था, तो मिस्र के लोग भी जो थे वो भी अपने तारों सितारों की गणना किया करते थे, यूनान के लोग किया करते थे। पेरू की जो सभ्यता है, पेरू का जो कल्चर है, सबसे पुराना माना जाता है। पेरू के कल्चर में भी जगह जगह पर आपको ग्रह नक्षत्रों की, सितारों की, उनके घरों में लिखे हुए मिलेंगे, यानी उसकी वो पूजा किया करते थे, उनको देवता मानकर। इसी तरह से जो हड़प्पा का कल्चर है, वहां पर भी ये बातें देखने सुनने को मिलती हैं। तो मैंने ये पाया कि जो एस्ट्रोलॉजी है, इसका कोई भी रिलीजन नहीं है। जब से दुनिया कायनात बनी है, हर इंसान अपने फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में जानने का इच्छुक रहा है। तो जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है, एक साइंस का ही दूसरा रूप था, इंसान के अंदर में भी ये ख्याल आता है कि कल के बारे में क्या लिखा है, कल के बारे में हमें जरूर जानना चाहिए। वैसे आप कोई भी हैं, आप चाहे नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, या चाहे एक भिखारी भीख ही मांगता है, वो किसके लिए मांगता है? सिर्फ अभी के लिए नहीं, वह कल के लिए भी। आप भी दुकान में कमाते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने चंद पैसे कमाए और देखा कि घर का राशन आज का आ गया, आप दुकान बंद करके वापस लौट के? नहीं, आप भी कल के लिए कमाते हैं। तो इंसान शुरू से ही कल को जानने के लिए जो है उसके मन में एक इच्छा रही है, उसी कारण इस एस्ट्रोलॉजी का जो है धीरे धीरे विकास होता रहा है। पहले सिर्फ सूरज, चंद्रमा, तारे, सितारे जो दो चार थे, दो चार ग्रह थे जो पुरानी सभ्यताओं का नाम लिए, जैसे पेरू का, हड़प्पा का, यूनान का, मिस्र का, या जो अमेरिका के रेड इंडियंस थे, उन कबीलों की मैंने आपके सामने बात की है। तो उसके बाद धीरे धीरे इन चीज़ों की खोज होती गई, और खुद जो राहु केतु की खोज है वो तो हमारे हिंदुस्तान में हुई है। राहु केतु सिर्फ इंडियन एस्ट्रोलॉजी को छोड़कर और कहीं भी इसका नाम निशान भी नहीं है, सिर्फ इंडिया में ही इसका जिक्र किया जाता है। तो जब भी आदमी एस्ट्रोलॉजी में आता है, एस्ट्रोलॉजी का किसी भी रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई ये कहे कि अगर कोई मुसलमान या कोई अन्य जो हिंदू नहीं है वो एस्ट्रोलॉजी कर रहा है तो वो हिंदू बन गया, या कोई अगर हिंदू कर रहा है तो वो जो जैसे कि हमारे धर्म गुरु हैं आर्य समाज है, या और कई लोग हैं जो इसको कंडेम करते हैं, तो वो उनको लगता है कि जो आदमी एस्ट्रोलॉजी में चला गया वो आदमी जो है धर्म से जो है वो दूर चला गया। तो ऐसी कुछ भी बात नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का जो सिद्धांत है, नियम है, मैं इसे मानता हूँ कि ये सभी मजहब से पुराना है। जब से इंसान इस दुनिया में आया है, पुराने जमाने से, जब कोई धर्म के भी कोई पक्के सबूत नहीं थे, उसी समय से लोगों ने सूरज, तारे, जो सितारे थे, क्योंकि जो हमें दिखता है, सूरज हमें रोज दिखता है, चंद्रमा रोज दिखता है, तारे सितारे रोज दिखते हैं, तो इसी आधार पर इनकी गणना शुरू हो गई, और ये शुरू से ही चलता आ रहा है। ज्योतिष कोई नई चीज नहीं है, ये बात अलग है। मुल्क हिंदुस्तान में हमें ऋषि पाराशर और भृगु ऋषि के द्वारा हमें इसके बारे में मालूमात हुई, और उसके बाद में जो इस्लामिक मुल्क है वहाँ पर जो हिंदुओं की गणना थी, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान से वहाँ गया, कुछ लोग ये कहते हैं कि हिंदू वहाँ से हिंदुस्तान में आया, ये सब ईगो की लड़ाई है। सब ईगो एक दूसरे का, ये जितनी भी इलम है इनका जो विकास होता है, जो जब भी ये सब धीरे धीरे मिलजुल कर होता है। कोई इंसान ये कहे कि ये हमारी चीज़ है, वो हमारी चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक आदमी उसे पढ़ता है, दूसरा आदमी उस पर रिसर्च करता है। मेरे साथ भी इसी प्रकार से है। अब मैं ये कहूँ कि मैं सिर्फ लाल किताब, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लोग भी मुझे कहते हैं कि मेरे वीडियो को देखकर कि लाल किताब में ये कहाँ लिखा है, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता, कोई रेफरेंस नहीं होता, क्योंकि सिर्फ किताबी बातों पर ही आप डिपेंड नहीं हो सकते। किताबी बातों को, किताबों को पढ़कर जो उससे नॉलेज हासिल होती है, उसके साथ जो कुछ अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जुड़ते हैं, उसके आधार पर ही इंसान आगे नई नई चीज़ों को सीखता है, नई नई चीज़ों को, नई नई बातों को
फिर अप्लाई भी करता है, वो सभी के साथ है, मेरे साथ भी है। मैं सिर्फ किताबी बातों तक नहीं, किताबी बातों को देखकर उसके आगे क्या प्रैक्टिकल हालात है, क्योंकि उस परवरदिगार मालिक ने 2.5 kg का दिमाग हमें भी दिया हुआ है, तो ये जो 2.5 kg का दिमाग है इसका इस्तेमाल जरूर कर लेना चाहिए कि आखिर ये आज के दौर में ये बात कितनी सही है कितनी गलत है। तो आप जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं या इसे सीखते हैं या इसमें विश्वास रखते हैं, अगर आपके मन में भी ये एहसास कमतरी है, इन्फ्यूटरी कॉम्प्लेक्स है कि एस्ट्रोलॉजी का कोई रिलीजन है, कोई धर्म है, मैं इसको कुंडली अपनी बनवाने से, कुंडली दिखाने से या इस पर बिलीव करने से मैं अपने मजहब से खारिज हो जाऊँगा या हमारा मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये शुरू से ही चलता आया है, इसमें किसी भी रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है, ये रिलीजन से अलग हटकर चीज़ है। इस बात को हमें पक्के तौर पर तस्लीम कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, बात तो छोटी सी थी, वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी बन गई, मैं इसके लिए सॉरी चाहूँगा। सो इतनी सी बात है, पहले मुझे भी जब मैं एस्ट्रोलॉजी में आया तो मुझे भी कम्युनिटी की तरफ से मुझे भी कई बार कंडेम होना पड़ता है, मुझे भी लोग कई बार भला बुरा बोल देते हैं कि ये तो किसी और मजहब की चीज़ है, ये मजहब की चीज़ नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये सवाल ही गलत होता है कि व्हाट इज़ द रिलीजन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी रिलीजन नहीं, एस्ट्रोलॉजी एक कल्चर है जो कल के बारे में जानने के लिए हर आदमी, कमाना भी आदमी कल के लिए चाहता है, फ्यूचर की बातें भी आदमी कल के लिए जानना चाहता है। आप, मैंने सीधी बात की, आप कोई भी काम कारोबार करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं? कल के लिए कमाते हैं। अगर कोई आदमी कल के बारे में कुछ जानने के लिए दिल में उसके ख्याल हो तो ये भी कोई गुनाह नहीं है, यह एक इंसान की सोच है, हर इंसान ऐसा करता है। थैंक यू। उस परम पिता मालक से मेरी यही गुजारिश है कि खुश रहो बात दुनिया, मालो जहां बढ़ते रहो, मदद मालक अपनी देगा, नेकी खुद करते।